दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस महान व्यक्ति के जिन्होंने रियल एस्टेट में सबको पीछे छोड़ते हुए आज रियल एस्टेट के बादशाह बन चुके हैं। लोधा ग्रुप के चेयरमैन मंगल प्रताप लोधा, जिन्हें शॉर्ट में एमपी लोधा भी बोला जाता है, आज ये इंडिया के नंबर वन रियल एस्टेट डेवलपर है। राजस्थान से आकर लोधा ने सपनों के शहर मुंबई में प्रवेश किया। एक व्यावसायिक दिमाग और गुणों के लिए एक आंख है। शहर के उपनगरों के तंग जगहों में निवेश करके टाइकून शुरू हुआ और अब एक रियल एस्टेट समूह का संस्थापक है जो भारत का पहला ट्रम्प टावर बना रहा है। मैं आपको एमपी लोधा के बारे में चार बातें बताऊंगा जो आपको जानना आवश्यक है। नंबर वन, एमपी लोधा इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोटेक डेवलपर्स। एमपी लोधा शायद सबसे सफल उद्यमों में से एक है जिसे भारत के अचल संपत्ति के बाजार में कभी देखा है। 64 वर्ष से माइक्रोटेक डेवलपर्स का गर्व मालिक है, जिसे पहले लोधा डेवलपर्स के रूप में जाना जाता था। उसे अपना उद्यमशील उसने उसे 32,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसने वह अचल संपत्ति में भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बना। नंबर टू, एमपी लोधा जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट। लोधा ने अपने व्यवसाय तक बढ़ाना शुरू किया जब उन्होंने 1981 में वापस अपरिचित उपनगरों में छोटे से रहने के स्थानों में निवेश करके मुंबई में अपना शहर स्थापित किया। अब तक तेजी से आगे बढ़ते हुए लोधा समूह के पास चालू परियोजनाओं में से 35 मिलियन वर्ग फुट की जमीन पर कब्जा करती है। वर्ल्ड वन टावर लोअर परेल मुंबई में स्थित है। इन चल रही परियोजनाओं में से एक है और यह भारत की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है, जिसमें 117 हेक्टेयर भूमि है जो 7.1 हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। दिलचस्प बात यह है कि इमारत के कुछ फ्लैट की डिजाइनिंग जियार्जो अरमानी द्वारा किया गया है। लोधा परिवार के मुखिया द्वारा शुरू किया गया एक व्यवसाय अब उनके पुत्रों अभिषेक और अभिनंदन लोधा द्वारा चलाया जाता है। नंबर थ्री, लोधा नेटवर्थ एंड एसेट्स। यदि संख्या पहले से आपकी नजर में नहीं आई थी तो लोधा समूह के पास 32,000 करोड़ रुपया की संपत्ति है जो 2019 में 18% की वृद्धि के साथ बढ़ रही है। और बड़ी संपत्ति के लिए बड़ी कमाई कॉल और लोधा कोई अजनबी नहीं है। विलासिता या तो उनके पास 252 करोड़ रुपया की अचल संपत्ति है जो आज के समय में उनके पास $1.9 बिलियन की संपत्ति है। नंबर फोर, एमपी लोधा अचीवमेंट्स। रियल एस्टेट की दुनिया में उनका अलग ही नाम है, जिनके कारण वह दुनिया भर के कई सबसे अमीर लोगों की सूची में प्रवेश हुए हैं। फोर्ब्स के अनुसार भारत के 47वें और विश्व के 1,196 सबसे धनी व्यक्ति है। रियल एस्टेट टाइकून के अलावा एमपी लोधा ने राजनीति दुनिया में भी अपना कदम रखा है। वह पूर्व बीजेपी मुंबई प्रमुख है और एक ट्रस्ट के मालिक भी है जो सामाजिक कारणों की ओर उनके योगदान की नजरअंदाज करता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।